खबर पटना से है, जहां नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर आपसी रंजिश में कुंदन पाल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 5 लाख की फिरौती लेकर पेशेवर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। सुपारी देने वाला आरोपी निकाय चुनाव में भावी प्रत्याशी राकेश कुमार है, जो कि अब तक फरार चल रहा है। वारदात पटना के फुलवारी शरीफ की है, जहां 15 जनवरी को तरेआम दिन दहाड़े हारून नगर के सामने पेट्रोल पंप के पास एक लिट्टी की दुकान पर गोलियों के बौछार कर मौत के घाट उतारे गए कुंदन पाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। फुलवारी शरीफ थाने में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि भावी उम्मीदवार राकेश कुमार ने अपने गांव कुंदन पाल की हत्या में 5 लाख की सुपारी देकर 4 पेशेवर शूटर्स से उसकी हत्या करवाई। एक बच्चे की गोली मार के हत्या की गई थी। वो आदमी बाट काउंसिल का जो इलेक्शन था उसमें प्रोबेबल कैंडिडेट था। हत्या के बाद बहुत तरह की बातें आई, लेकिन हत्या के बाद हम लोग के पास सीसीटीवी फुटेज मिला और उस फुटेज में 2 क्रिमिनल्स मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखे। उसको हम लोगों ने फॉलो किया और फॉलो करके उस मोटरसाइकिल उस आदमी की निशानदाही उन दोनों क्रिमिनल्स की निशानदेही और वहाँ पर जो हम लोग को डंप डाटा मिला है जहाँ पे कुछ नंबर्स एक्टिव थे उसको और जिसकी हत्या हुई उसके बैकग्राउंड को चेक करने के बाद और किसके किससे राइवलरी हो सकती है इसको चेक करने के बाद हम लोगों ने जीरोइंग की और जीरोइंग करने पर हम लोगों को लगा कि वहाँ पर एक दूसरा आदमी जिसका नाम राकेश था जो अपने आप को उसी वार्ड काउंसिल से खड़ा होने का कैंडिडेचर जिसने घोषित किया था उसी ने षड्यंत्र करके ये हत्या सुपारी किलिंग कराई है। और इस सुपारी किलिंग में जो पेशेवर अपराधियों की सहायता ली गई ऐसे अपराधी जो 2005 से अपराध कर रहे हैं बहुत ही कुख्यात अपराधी हैं। 5 लाख रुपए की सुपारी हुई है, सुपारी दी गई थी, रिकवरी अभी तक हम लोग कैश नहीं कर पाए हैं बिकॉज घटना को घटित हुए ये जनवरी की घटना है। नहीं, एडवांस जिस समय बात हुई थी उस दिन बात हुई थी 1.5 लाख रुपए की, उस समय 1.5 लाख रुपए पहले डिलीवर हुआ था और घटना के बाद कुल मिला 5 लाख रुपए डिलीवर हुआ। पुलिस ने कुंदन पाल की हत्या में शामिल 4 पेशेवर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में प्रयोग में लाए गए हथियार को भी बरामद किया है। न्यूज़ लाइव डेस्क पटना।